बेहोश होने वाले क्योंकि एनर्जी नहीं है बाबा, बेहोश होने की एक्टिंग करें। आसिफ 50 रुपए काट रहे अबे बाबा मुंह क्यों उतरा हुआ है? बाबा आज ग्रोसरी करने गए। हाँ बाबा क्यों मुंह उतरा हुआ है? अबे भाई अभी सामान लेकर आया हूँ घर का। इतने प्यार से क्यों उतार रहे हो? टाइट हो गई है, हालत टाइट हो गई और हालत टाइट होने के बाद भी शर्ट भी टाइट हो गई है इनकी। अच्छा भाई हालत टाइट से याद आया, आपको एक बड़ी जबरदस्त एक इस व्लॉग में एक चीज मिलने वाली है और उसके अंदर जो है ना आपको कुछ चीजें दिखाना चाह रहे हैं और बड़ी जबरदस्त ऑफर है आवाम के लिए। क्यों समी ऐसी है? मेरे अंदाजन ऐसे बताने से बेहतर है जाके बताया। हाँ जाके बताया जाता है। तो इस वक्त हमारे से मिस्टर गोल्डी मौजूद हैं, शफीक भाई नहीं आए। हाँ शफीक भाई नहीं आए और गोल्डी साहब मौजूद हैं। तो अभी हम जा रहे हैं एक जगह और वहाँ जाके आपको बताते हैं कि बड़ी हमारे पास एक जबरदस्ती एक न्यूज आई है और हम यहाँ से बस फारिग हो रहे हैं चाय पराठे खा के और हम वहाँ जाके आपको बताते हैं कि ऑफर क्या है। तो भाइयों हम लोग आ चुके हैं इस वक्त चेज़अप। अब आप सोच रहे होंगे यार इतने स्टोर छोड़ के चेज़अप क्यों आए, तो ये चल के आगे मैं बताता हूँ। तो भैया इस वक्त मैं मौजूद हूँ चेज़अप के कमोडिटीज सेक्शन में और यहाँ पे आप जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं जो कि चेज़अप ओन प्रोडक्ट्स हैं, वो तमाम चीजें जो आपको बताने वाली चीजें वो ये कि वो कमिश्नर कराची की जो रेड लिस्ट आई है ना वो उसी को मैच करते हैं। मतलब जो चीज रेड लिस्ट में लिखी हुई होगी वही आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये तमाम जितनी आप दालें वगैरह देख रहे हैं, चने देख रहे हैं, तो ये रेड लिस्ट में जो प्राइस लिखे हुए वही प्राइस आपको ये शेल्फ पे मिलेंगे। तो ये चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अक्सर आप स्टोर्स में जाते होंगे तो आपको बड़ा फर्क दिखता होगा प्राइस में। तो यहाँ पे जो है ना ये एक बड़ी इनिशिएटिव है चेज़अप का कि जो चीज कमिश्नर कराची ने जो रेट लिस्ट जारी की है उसी रेट लिस्ट को ये लोग जो ना मैच कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा रिलीफ है आवाम के लिए और दूसरा ये कि यार एक अच्छा माहौल मिल जाता है, आप सुकून से शॉपिंग कर लेते हैं। प्लस और भी बहुत सारे आइटम हैं यहाँ पे, तो अगर आप एक दफा चेज़अप में घुसेंगे तो बहुत सारी चीजें और भी आपको मिलेंगी। मतलब और दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा बाबा ये बताएं कि ये जो माश की दाल है ये क्या रुपए किलो आप ले रहे हैं इस वक्त मार्केट से? मतलब 470-480 के करीब होगी। 480 के करीब होगी भाई। यहाँ पे जो इन्होंने लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है माश की दाल वॉश एक नंबर 410 है। अब मैं दिखाता हूँ एक चीज, ये देखो ये माश की दाल 410 जो रेट्स कमिश्नर कराची के हैं वही रेट्स यहाँ पे मिलेंगे आपको और इस तरह के पैकेजिंग में। मतलब कोई थैली में नहीं है कि भागते हुए का फट गई थैली गई दाल। तो ये पैकेजिंग भी अच्छी है और वॉश दाल है और ए क्वालिटी है, जो उसमें लिखा हुआ है वही क्वालिटी ये दे रहे हैं। बिल्कुल वही रेट्स, मतलब 410 वहाँ पे है, 410 यहाँ पे। भाई जो काबली चना है ना इस वक्त मार्केट में तकरीबन 450 के करीब मिल रहा है आपको, मगर यहाँ पे जो है ये देखें ये काबली चना 375 रुपये जो कि ऑफिशियली जो रेट लिस्ट है गवर्नमेंट की जो कमिश्नर कराची की है उसी को उसी पे ये मिल रहा है रेट लिस्ट पे 375। और ये जो काला चना जो है ये है तकरीबन 200 रुपये। तो अभी लिस्ट में कितना है? 200 रुपये। मतलब जो लिस्ट में है वही यहाँ पे मिल रहा है। भाई ब्लॉग बनाने का मकसद ये था कि ये जो आप ग्रॉसरी लेते हैं घर की, या अब चूंकि रमजान में आपको पता है कि एक सिस्टम चला हुआ है कि आप बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं आप लोग, यही हमारा मतलब रिलीजन भी सिखाता है। सो क्यों ना आप यहाँ से चेज़अप से आके खरीदें, आपको एक तो क्वालिटी सामान मिल रहा है प्लस आपको वो रेट्स भी मिल रहा है जो रेट्स इनको कमिश्नर कराची देता है। मतलब वो रेट्स जो कि मार्केट से बहुत ज्यादा कम है, कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं ना यार ये रेट लिस्ट कोई फॉलो नहीं करता है, तो ब्लॉग बना लिया अब मैंने तो अब तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ की इंडोर्समेंट है कि भाई यहाँ पे रेट्स फॉलो हो रहे हैं। अच्छा ये जो एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस है यहाँ पर, इसकी प्राइस यहाँ पर लिखी हुई है 365 रुपीज़। हम यहाँ पर भी देखते हैं कमिश्नर कराची के जो रेट यहाँ पर लिखे हुए हैं उसमें भी ये तकरीबन 365 रुपीज़, बिल्कुल सेम रेट्स हैं। तो जो बाहर के रेट्स हैं उसमें यहाँ पर थोड़ा काफ़ी डिफ्रेंशिएट है कि यहाँ पर जो कमिश्नर ने रेट दिए हैं कराची के, तो वही रेट यहाँ पर मिल रहे हैं जो बाहर नहीं मिल रहे हैं। अच्छा जी ये तो थे हम लोग कमोडिटीज़ पे, अब चलते हैं फ्रेश की तरफ और देखते हैं कि चेज़अप क्या प्रमोशंस लेकर आया है रमज़ान के लिए। चलो समी से मिलते हैं। Thank you.
अच्छा जी, मैं मौजूद हूँ फ्रेश सेक्शन में चेज़अप के, और यहाँ पे ख़ास प्रमोशंस हैं कुछ चीज़ों पे फ्रॉम चेज़अप, जिसमें सबसे, बल्कि इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये करते हैं कि हम चलते हैं, मिलते हैं एक साहब से जो हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे। अली अली, डिफरेंस बताएं। वालेकुम सलाम। सॉरी, अच्छा पहले सलाम कर लेते हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा समी भाई, मैं बात बताते चलूँ, 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च को चेज़अप यहाँ पे जो है वो ज़बरदस्त ऑफर देने जा रहा है, सही है। वो ऑफर ये है कि भाई अभी आलू और प्याज पे जो है ना वो आग लगी हुई है, सही है। ब्रांडेड मतलब जो इलाका जैसा ब्रांड से ताल्लुक रखता है, सब्जी वाला भी उसी हिसाब से जो है वो आलू और प्याज बेचेगा भाई। तो डिफरेंस क्या है? मैं डिफरेंस बताता हूँ ना, अभी जो है वो आलू हम लोग इतने बड़े स्टोर में 52 रुपए किलो के हिसाब से बेचते हैं, और बाहर इस वक्त 60 से 65 रुपए चल रहा है भाई। वो जो लिस्ट आपने शेयर की वो बाहर ठेले वाला फॉलो नहीं कर रहा, हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बाहर से पर केजी 15 रुपए का फर्क है। अभी ये तो 15 रुपए तो आम दिनों के फर्क की बात बता रहा हूँ ना, अभी मैं आपको 28, 29, 30 मार्च की फर्क बता रहा हूँ। आलू सिर्फ समी भाई यहाँ पे रमजान में आवाम को रिलीफ देने के लिए सिर्फ 29 रुपए पर केजी के हिसाब से चेज़अप देगा भाई। यानी के जितने का बेच रहे हो उससे भी तकरीबन आधा, उससे भी आधा, बिल्कुल ऐसा ही, जितने का बेच रहे हो उससे भी आधा। बाहर है 60-65 रुपए। जी बिल्कुल, 60 से 65 रुपए बाहर से आधे पैसों में हमें आलू प्याज मिल जाएगा। प्याज तो बता रहा हूँ ना, अभी तो बहुत सारी ऑफर है, तो आपने आलू की पूछी है। अच्छा प्याज की बात की जाए, अभी जो है वो हमारे पास 119 रुपए किलो चल रही है प्याज, और बाहर की बात की जाए तो बाहर जो है अभी रिसेंटली मैंने चेक किया, जोर चौरंगी की बात कर लूँ मैं, तो बाहर ठेले वाला जो है वो 135 रुपए किलो के हिसाब से आवाज लगा रहा था, लेकिन चेज़अप अभी अंदर दिनों की बात करें तो 119 रुपए दे रहा है बाहर की नस्बत, वैसे ही 20 रुपए कम। और 28 मार्च 29 मार्च और 30 मार्च डेट बताने का मकसद ये कि चेज़अप को लूट लो भाई। तो 29, 30 और 31 मार्च को, नहीं 28, 29 और 30 जी को चेज़अप 69 रुपीस पर केजी के हिसाब से दे रहा है भाई चेज़अप प्याज, 70 रुपए में भी 1 रुपया कम। 28, 29, 30 तारीख को जो चेज़अप की सेल आ रही है उसमें स्पेशल प्रमोशन है, जिसमें जो रेट्स ऑलरेडी चेज़अप के बाहर की मार्केट से कम है उसको भी चेज़अप तकरीबन आधा कर, और आधा कर देगा, और आधा कर देगा, और एक फलों की तरफ जाता है। एक सवाल का जवाब दे भाई, इफ्तारी में क्या खा के आया है इसका यार, ये कॉन्फिडेंस चाहिए जिंदगी में। अच्छा चिकन बताए, चिकन क्या चल रहा है? लूट लो बाहर, ये बता चिकन क्या चल रही है? नहीं, सब चीजें महंगी है यहाँ पे, बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट कि आप लोगों ने बहुत एफर्ट्स किए, अब ये कैसे किए ये अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन ये है आवाम की सहूलत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है आपको। कस्टमर एंडोर्समेंट ये सबसे जरूरी चीज़ है, और इससे अच्छी आपको किसी ने अगर दी है कमेंट तो बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आगे चलते हैं, आजकल का जो सबसे हॉट टॉपिक वो है केला। केला, हाँ केला जो है यहाँ कितने का मिलेगा भाई? केला जो है वो 28, 29, 30 मार्च को जो है वो 149 रुपीज पर केजी के हिसाब से यहाँ पे कस्टमर्स को। एक केजी में कितने आते हैं? एक केजी में जो है ना वो अगर बात करें सही नॉर्मल अच्छा केला हो तो 6 से 7 केजी चढ़ जाता है, तो यानी कि तकरीबन जी जी 150 से 300 जो के कमिश्नर कराची की रेट के बिल्कुल बराबर बराबर है, बिल्कुल ऐसा ही। ओ तो यानी के, और बाहर ये कितने का चल रहा होगा? तकरीबन 400-450 रुपए दर्जन जो है वो केला चल रहा है। तो बाहर से यहाँ के केलों में कोई 100 रुपए का फर्क है, तो अगर आप लोगों को फ्रूट चाट के लिए केले खरीदें या और भी फल खरीदें, चेज़अप इज द प्लेस टू बी ऑन 28, 29 and 30 मार्च। बाबा कहाँ बिजी है बाबा? अच्छा जी, आप सबको पता है कि नहीं है, मैं बताता चलूँ, तरबूज है ना वो मेरा और जैजी का फेवरेट फल, मतलब हम तरबूज के दीवाने, और ये बाहर मार्केट में मैंने खुद लिया है, 120 रुपये मिल रहा था पर किलो, कहीं पे 110 रुपये मिल रहा था, बट ड्यूरिंग द सेल जो कि 28, 29, 30 मार्च को है चेज़अप में, ये हो जाएगा 89 रुपीज पर केजी। सो लोगे भाई तरबूज अभी से ले लें? चलो भाई भाई, सबसे ज़्यादा आप देख रहे होंगे इफ्तार ड्राइव की वीडियो, तो उसके अंदर जो हमें सबसे महंगी चीज़ पड़ती है वो पड़ती है चिकन बिरयानी। उसकी वजह क्या है कि पकवान से पूछो तो वो कहता है कि यार चिकन के रेट है ना वो बढ़ गए, तो मैं अब अपने पकवान को भी मैं थोड़ा सा मशवरा दूंगा कि भाई यहाँ जो चेज़अप पे जो चिकन मिल रही है वो चिकन ज़्यादा मतलब मार्केट रेट से काफ़ी सस्ती है, और 28, 29, 30 को इसके रेट्स और ज़्यादा गिरेंगे, जो प्रमोशन जो चल रही है ना चेज़अप की उसमें और ज़्यादा आपको प्रमोशन मिलेंगे। तो जो के रेट अभी 560 रुपये पर केजी हैं वो ड्यूरिंग द सेल यानी कि 28, 29, 30 मार्च को 475 रुपये हो जाएंगे पर 475 रुपये, मतलब अगर 200 अभी के रेट से 100 रुपये का। हाँ तो एक तो आपको, और दूसरा ये कि जो टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है ये भी चीज़ आप देखा करें ना, जो आपका मीट होता है ना बड़ा फ्रेश होता है, एनवायरनमेंट आपको दे रहे हैं, प्लस एयर कंडीशन पूरा आपका इनका स्टोर है,
और यहाँ से अगर आप लेते हैं और खुली जगह से लेते हैं जहाँ पे आपको ऑलरेडी महंगा पड़ रहा है, तो आप हाँ आपके पास ऑप्शन है, आप कहाँ से चूज करेंगे चिकन लेना। एक जगह महंगा मिल रहा है बट खुला भी मिल रहा है और ऑब्वियसली हाइजीन का इतना ज़्यादा वहाँ पे कोई अमल दखल नहीं है, और एक जगह आपको प्रॉपर जो है ना साफ़ सुथरा चिकन मिल रहा है। अच्छा दूसरा ये साफ़ सुथरा चिकन है, सफाई की भी है, तो ये आपको सस्ता मिल रहा है और ड्यूरिंग सेल और ज़्यादा सस्ता मिलेगा। अच्छा जी, रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ ब्लेसिंग और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो रमज़ान में एक दूसरे की या अपने अड़ोस पड़ोस वालों की मदद करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे लोग मुबीन भाई के पास आते हैं और कहते हैं कि जी आप जो राशन ड्राइव करते हैं तो जो राशन बैग बनाते हैं वो हमारे लिए भी बनवा दें। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं मेरे पास कि इस तरह की ड्राइव हम भी करना चाहते हैं, लाइक लोगों को राशन देना है तो किस तरह बैग बनेगा, तो उनके लिए बड़ी जो स्पेशल कराची में रहने वाले या और भी कहीं आपको ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, तो आपको गुजरांवाला में भी चेज़अप की इस तरह के बैग्स मिलेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा ऑप्शन दे दिया इस तरह के आप बैग्स बनवा सकते हैं, जैसा कि ये हैम्पर वन है, ये हैम्पर वन में ये तमाम आइटम्स हैं और इसकी कीमत है 3,399 इस वाले हैम्पर की। इस पर हम हैम्पर नंबर टू में आ जाते हैं तो इसकी प्राइस है 4549 की, और जो अगर हम जाते हैं बिल्कुल हैम्पर नंबर थ्री, इसमें ज़्यादा ऑब्वियसली आइटम्स है, तो ये 6,799 का ऑप्शन है। तो ये आप लोग यहाँ से बनवा सकते, बने बनाए इस तरह के आपको बॉक्स मिलेंगे, बॉक्स आप लोग बाय कर सकते हैं और जाके जितने भी अंडर प्रिविलेज हैं जो आपको लगता है, रिश्तेदार हों, महल्ले वाले हों, या आपको लगता है कि यार इनकी मदद करनी चाहिए, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं, यहाँ से बने बनाए बैग्स ले सकते हैं। तो अक्सर लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि यार किस तरह हम लोग जो है ना हेल्प करें, या हम लोग भी किस तरह इसको राशन बैग बनाएं, तो वो चीज़ जो है ना इवन मैं भी अगर सोचूंगा तो मेरे लिए भी बड़ी चीज़ें आसान कर दी है। तमाम यहाँ पे ब्रांड्स रख दिए हैं, आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या आइटम होगा, तो तमाम आइटम इस बॉक्स में मौजूद है, आप सिर्फ आएँ बाय करें और जिस किसी की मदद करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। यार बाबा अभी जो है ना बेहोश होने वाले, क्योंकि एनर्जी नहीं है, बाबा बेहोश होने की एक्टिंग करें। आसिफ 50 रुपये काट रहे हैं। अच्छा कहना ये था यार, यूजुअली आप अक्सर सेल देखते हैं ना, किसी भी सेक्शन में सेल होती है किसी भी स्टोर की, तो वो जो सेल होती है वो यूजुअली जो एक्सपायरी डेट होती है बड़ी करीब होती है, तो उसकी जल्द अज मतलब उसकी सेल पे वो लगा देते हैं वो लोग। तो यहाँ पे एक मैं चीज़ बता देता चलूँ आपको, 28, 29, 30 को ये जो मिल्क फील्ड का जो मिल्क है ये इस वक्त है 209 रुपये फी लीटर, और ये है लॉन्ग एक्सपायरी का, ये हो जाएगा 169 रुपीज पर लीटर। तो ये ऑलमोस्ट वाले रेट मिल रहा है टेट्रा पैक के, जो आपको एक खुला दूध मिलता है और आपको पता है खुला दूध कैसा होता है। तो ये एक ज़बरदस्त ऑफर है जो कि मुझे अट्रैक्ट किए, क्योंकि दूध जो है ना हर घर में इस्तेमाल होता है और ये फुल क्रीम है, तो आप पी लो ये। कुछ खाएंगे पहले बाद में पियेंगे, ले चलते ये मेरे ख्याल से लेके चलते आ जाओ। यार व्लॉग बना रहे हैं बाबा, तो व्लॉगिंग शॉट तो होना चाहिए। अच्छा जब आप चेज़अप पे सेल अटेंड करने के लिए आएंगे तो ज़ाहिर है बेगम, अम्मा, बहन किसी को तो साथ लाएंगे, तो उनके लिए यू कैन चेक आउट देयर वुमेंस अपैरल, दे हैव मल्टीपल देयर ओन ब्रांड्स यहाँ पे, जहाँ पे स्टिच्ड कपड़े भी अवेलेबल हैं और अनस्टिच्ड कपड़े भी अवेलेबल हैं काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में। सेल लगेगी क्या ना, कहीं मैं अभी ले लूं महंगे फिर बाद में। नहीं नहीं भाई, ये सेल ही है बाबा, ये सेल है। हाँ, मैं ये वैसी ओवरऑल सेल है, आप जाके ले सकते हैं। शॉपिंग हो गई वही बेटी के लिए, मगर अगर बेटी के लिए करना तो किसी लेकर आते नहीं बेटी को, अभी आप गए पसंद नहीं आया, दूसरा पसंद आ गया। अच्छा मोहिन भाई, सिर्फ ये लेडीज रेडीमेड पे डिस्काउंट नहीं है बल्कि बच्चों के जो है वो आइटम और क्लोथ्स पे भी जो है वो काफी सारा यहाँ पे डिस्काउंट और कम प्राइस में टी शर्ट पैंट्स वगैरह यहाँ पे मौजूद है। तो भैया ये था एक छोटा सा ब्लॉग, इसमें बताने की ये कोशिश कर रहा था मैं, आजकल रमज़ान में बड़ी महंगाई हो गई, ऑब्वियसली क़ुव्वत ख़रीद में बड़ा मसला है लोगों की, तो यहाँ पे अब आएंगे आप चेज़अप पे, काफ़ी सारी इनकी अपनी भी ऑफर्स हैं और प्लस जो
रेट शीट मैंने दिखाई थी कमिश्नर कराची की, उसको भी ये लोग फॉलो कर रहे हैं कमोडिटीज़ में, और इसके साथ साथ इनके जो ओन प्रोडक्ट्स हैं चेज़अप के उस पर भी अच्छी खासी डिस्काउंटेड ऑफ़र है। सो 28, 29, 30 को मिस नहीं कीजिएगा ये ऑफ़र। ये ब्लॉग जल्दी डालने का मकसद भी ये था ताकि आप लोग जो है ना ये जल्दी से ये ऑफ़र अवेल कर लें। तो इस वक्त आप गुलिस्तान जौहर भी जा सकते हैं, जहाँ कहीं भी चेज़अप के आप स्टोर देखें वहाँ से जाके आप ग्रॉसरी शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफ़र मेरे नहीं ख्याल कि ये शायद आपको एक किसी दूसरे किराना स्टोर पर भी मिलेगी जो चेज़अप दे रहा है। तो आई होप कि ये जो ना ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो फ़ौरन जाएँ शॉपिंग करें, क्योंकि मैं भी अभी कुछ शॉपिंग करने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।